नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बुक टूल में। और आज है 18 फरवरी और हम लेके आए 18 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया रुक्मणी बनर्जी को। आगे चलते हैं, हाल ही में शी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। तो यह परियोजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में संपन्न 2+2 विचार विमर्श किन देशों के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्रियों के बीच संपन्न हुआ। तो यह संपन्न हुआ है भारत तथा रूस के बीच में। हाल ही में IXP नामक एक नई एक्सरे वेधशाला किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आगे चलते हैं मित्रों, हाल ही में आयोजित 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। तो इसका उत्तर है मैग्नस कार्लसन। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य राष्ट्र बना। तो आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में दूर संचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी प्रदान की गई। का उत्तर है 100%। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म UP किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर है शांतनु गुप्ता। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास पैनएक्स 2021 किन देशों के मध्य संपन्न हुआ, बिम्स्टेक देशों के बीच में। क्या आप जानते हैं मैं हम आज लेके आए हैं ध्रुवी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो यह किसी ग्रह के चारों ओर एक ऐसी निकट ध्रुवी कक्षा होती है जिसमें उपग्रह ग्रह की सतह से किसी दिए गए बिंदु के ऊपर से स्थानीय औसत सौर समय के समान समय में गुजरता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और पढ़ते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यह पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें स्थित किसी उपग्रह की कक्षीय अवधि पृथ्वी के घूर्ण काल जिसमें एक नक्षत्र दिन का समय लगता है के समान होती है। भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 35,746 किलोमीटर ऊपर एक वृत्ताकार भूतुल्यकालिक कक्षा होती है तथा यह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा का अनुसरण करती है। तो मित्रों ये हो गए 18 फरवरी के करंट अफेयर्स। नमस्कार, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जिससे कि हम और भी अपने परिवार में नए सदस्यों को जोड़ें और इस इनिशिएटिव का लाभ हर एक व्यक्ति को मिलने पाए। धन्यवाद।